Hello, friends, welcome once again to our YouTube channel. So, today I will take you through the GST returns uh, GSTR1. So, friends, what is GSTR1? GSTR1 is a return of outward supplies and it is required to be filed with the details of all the outward supplies or the sales done by taxpayers. ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड तो दोस्तों यहाँ पे टैक्स पीरियड क्या है टैक्स पीरियड इज अंथ सो लाइक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इफ़ द रिटर्न इज टू बी फाइल्ड देन आई एल सेन इज टू बी फाइल फॉर टैक्स पीरियड अप्रैल सिमिलरली फॉर द मंथ ऑफ मे इफ रिटर्न इज टू बी फाइल्ड आई सेन इज टू बी फाइल फॉर द टैक्स पीरियड मे तो दोस्तों ड्यूरेट क्या है इसकी अब मैं टैक्स पीरियड बोल रहा हूँ तो टैक्स पीरियड अगर अप्रैल है तो उसकी ड्यू डेट है अप्रैल टैक्स पीरियड की डेट डूरे, है टेंथ ऑफ सक्सीडिंग मंथ यानी कि दस मई तो जी एस टी आर वन जिसमें आपको सारी की सारी सेल्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है दैट यू नीड टू प्रोवाइड टिल टेंथ ऑफ सक्सीडिंग मंथ एंड टेंथ ऑफ सक्सीडिंग मंथ मतलब जो टैक्स पीरियड है उससे अगले दस दिन तक और इसका जो प्रोसेस है वो ऐसे रहेगा कि आपको जो भी आपके सेल्स से, से रिलेटेड इन्वाइसिस हैं उनकी डिटेल्स जीएसटी कॉमन पोर्टल पे आइदर यूजिंग दी वेब यूआई जो कि जीएसटी एक वेब यूआई प्रोवाइड करेगा वेब यूआई मतलब मैंने वेब यूजर इंटरफेस मतलब आपने क्या किया आप जीएसटी में लॉगिन किया पोर्टल में जाके आप वहाँ जाके अपना इन्वायस की डिटेल पंच करोगे और अपनी डिटेल्स पंच करने के बाद आप रिटर्न क्रिएट करोगे और उसको साइन एंड फाइल करोगे तो पहला ऑप्शन ये है आपके पास रिटर्न बनाने का और फाइल करने का दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप अपनी रिटर्न या तो जो जी एस टी कॉमन पोर्टल से आपको एक्सेल एक वो देंगे या जावा की एक यूटिलिटी दी जाएगी जिसके बेसिस पे आप उन डिटेल्स को जो आप उस एक्सेल या जावा यूटिलिटी जैसे आज की डेट में आप लोग इनकम टैक्स की डिटेल्स एक एक्सेल यूटिलिटी में या जावा यूटिलिटी में भर के उसकी एक्सएमएल जनरेट करके उसे अपलोड करते हो तो वैसे ही उसी प्रकार आपको आज जी जब आएगा तो जी एस टी कॉमन पोर्टल से एक्सेल या जावा यूटिलिटी डाउनलोड करके उसमें डिटेल्स भर के आपको जे फाइल बनानी है ठीक है सर ठीक है दोस्तों जे फाइल तो जेसोन या एक्सएमएल जेसोन एक लाइटर वर्जन है तो आपको तो खैर ये तो टेक्निकल चीज़ है बट जेसोन इसलिए ले रहे हैं कि जेसोन में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम साइज में आ सकता है तो इसलिए जेसोन फाइल आपसे वो अपलोड करा रहे हैं आप जेसोन फाइल अपलोड कर सकते हैं या फिर आप वेबाई यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप बहुत बड़े टेक्सपेयर हैं तो आप ये दोनों ऑप्शन यूज़ नहीं कर पाएंगे आपको किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर से हेल्प लेनी पड़ेगी अब वो एप्लीकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर आपको उसके लिए चार्ज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते अगर वो आपको चार्ज करते हैं तो आप बढ़िया से बढ़िया ई चूज़ कीजिए अगर वो चार्ज नहीं करते और आपको अच्छी फैसिलिटी देते हैं तो आप उनकी फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों कुल मिलाकर ऑप्शन हुए तीन या तो आप छोटे टैक्स पेयर हैं छोटे मैंने स्मॉल टैक्स पेयर जिनके बहुत कम से कम बीस तीस चालीस इन्वासेस हैं तो आप जी एस टी कोमन पोर्टल पर या तो वेब यू आई के थ्रू या फिर एक्सेल जावा यूटिलिटी डाउनलोड करके उसमें डिटेल्स भरिए और अपनी डिटेल्स अपलोड कर दीजिए अगर आप छोटे टैक्स पेयर नहीं हैं आप बड़े टैक्स पेयर हैं जिन जिसकी इन्वायस की डिटेल्स लाखों करोड़ों में है मंथली तो उस केस में आपके लिए ये ऑप्शंस यूज करना सही नहीं रहेगा क्योंकि अगर आप ये ऑप्शन यूज करेंगे भी तो इसमें आपको मल्टीपल टाइम्स अपनी डिटेल जावा uh, यूटिलिटी से बना के उसको आप बार बार अपलोड करेंगे तो उससे अच्छा है कि आप किसी ए की मदद लें जो कि एप्लीकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं तो फ्रेंड्स अब मैं स्टार्ट करूंगा कि आप अगर जीएसटी कॉमन पोर्टल से रिटर्न क्रिएट करते हैं तो वो कैसे हो सकती है ठीक है अब हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और इससे आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि आपको अगर ए के थ्रू आप फाइल कर रहे हैं या फिर यूटिलिटी जावा यूटिलिटी के थ्रू आप क्रिएट करके फाइल कर रहे हैं तो आपको इस जो मैं अभी स्क्रीन्स दिखाने वाला हूँ जो कि जी ने शेयर किए हैं तो इन स्क्रीन्स के बेसिस पे आप ये आइडिया आपको लग जाएगा इस चीज़ का कि कैसे रिटर्न क्रिएट होगी और कैसे रिटर्न फाइल होगी स्क्रीन है जिसको हम डैश बोर्ड ऑफ टैक्स बोल रहे हैं अब डैश बोर्ड ऑफ टैक्स मन क्या हुआ बैलेंस फर्स्ट लेजर बैलेंस उसको क्यों दिखाया जा रहा है पहले? जिससे कि वो ये पता लगा पाए कि क्या उसको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा सो so दैट उसका इंटरेस्ट लाइबिलिटी बच जाए इसलिए उसको लेजर बैलेंस दिखाया जा रहा है पहले ठीक है दूसरी चीज़ है आप यहाँ देख पा रहे होंगे फाइल रिटर्न पे टैक्स यूटिलाइज आईटीसी कैश अब ये फ़ाइल रिटर्न पे टैक्स यूटिलाइज आईटीसी कैश तो दोस्तों फाइल रिटर्न पे अगर वो क्लिक करता है तो वो अपनी जो उस पर एप्लीकेबल रिटर्न है क्योंकि मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि रजिस्ट्रेशन की जो हमारी वीडियोज़ हैं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री उसमें मैंने डिस्कस किया था कि कितने तरह के डिफरेंट तरह, डिफरेंट तरह के टैक्स पेयर्स हैं और पार्ट थ्री के एंड में मैंने ये बताया था कि कौन कौन सी रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ती हैं टैक्स पेयर्स को और कितनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती हैं तो जो भी टैक्स पेयर अगर वो रेगुलर टैक्स पेयर या नॉर्मल टैक्स पेयर है तो उसको जीएसटी आर वन टू हर महीने फाइल करनी है जिसमें जीएसटी आर की ड्यू डेट दस है जीएसटी आर की डेट ड्यू डेट पंद्रह ऑफ नेक्स्ट मंथ है और जी एस की ड्यू डेट बीस ऑफ नेक्स्ट मंथ है अब ये तो रही ड्यू डेट की बात तो फाइल रिटर्न बटन पे क्लिक करने के बाद आप अपने रिटर्न डैशबोर्ड पे आ जाएंगे अभी ये तो टैक्स डैश डैशबोर्ड है एक रिटर्न डैशबोर्ड है जिसमें आप अपने सारे रिटर्न्स जो आपकी ड्यू हैं जो आपको फाइल करनी है वो आप फाइल कर पाएंगे तो अभी यहां पे स्क्रीन को फटाफट हम फटा इसको क्लोज करते हैं तो इसमें क्या है लेजर बैलेंस दिखा रहे हैं फाइल रिटर्न का बटन दिया है यहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं आपको अगर कोई टैक्स पे करना है तो आप टैक्स भी पे कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी जीएसटी पेमेंट्स वाली जो हमारी वीडियो है यूटिलाइज आई कैश यूटिलाइज आई टी सी कैश क्या है दोस्तों ये हम अभी आपसे डिस्कस नहीं किया है अभी तक हमने ये हम आपसे डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे यूटिलाइज आई टी सी कैश बेसिकली क्या है कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस जी एस टी आर टू जो आपकी परचेज रिटर्न फाइल करने के बाद आपके पास आया है या पिछले पीरियड से कुछ आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो वो आप क्रेडिट यूज कर सकते हो इस्तेमाल कर सकते हो अपनी जी एस टी आर थ्री फाइल करते वक्त आप टैक्स लाइबिलिटी के लिए वो क्रेडिट यूज कर सकते हो अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट सफिशियंट नहीं है या फिर आपको ऐसा लगता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा उस केस में आप क्या करोगे आप कैश से पेमेंट करोगे तो आप यूटिलाइज कैश या यूटिलाइज आईटीसी टी अब ये यूटिलाइज कैश इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे फंडा है कैश लेजर सिस्टम का अब आप अगर यहाँ देख पा रहे हो लेजर बैलेंसेज में एक कैश दिखा रहा है कैश सी जी एस टी कैश एस जी एस टी कैश आई जी एस टी तो कैश लेजर में पहले पेमेंट होगी तो पे टैक्स से पहले जो भी पेमेंट होगी वो कैश लेजर में जाएगी कैश लेजर से फिर आप उसको यूटिलाइज कैश करके आप यूटिलाइज कर पाएंगे तो ये रही बात यूटिलाइज आईटीसी और यूटिलाइज कैश की जिसकी स्क्रीन और जिनकी डिटेल्स हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे समरी समरी ऑफ करंट पीरियड में आप सप्लायर सप्लायर और और रिसीवर की देख सकते हैं कि आपके और कौन कौन थे उन्होंने आपको कितना कितना आपसे माल खरीदा और कितना आपको बेचा तो ये आप डिटेल देख पाएंगे इस इसपे क्लिक करके उसके बाद रिसीवर मिसमैच रिपोर्ट और सप्लायर मिसमैच रिपोर्ट में आप मिसमैच रिपोर्ट देख पाएंगे कि आपकी मिसमैच रिपोर्ट एज अ रिसीवर और एज अ सप्लायर क्या है एज अ रिसीवर आपकी मिसमैच रिपोर्ट वो होगी जो आपके सप्लायर से आपकी डिटेल नहीं मैच कर रही और एज अ सप्लायर आपकी मिसमैच रिपोर्ट वो होगी जो आपके रिसीवर और आपके बीच में मैच नहीं हो रही है एज अ सप्लायर जो आपने उनको सप्लाई किया तो दोस्तों ये तो रही बात अभी तक हमने डिस्कस किया डैशबोर्ड क्या है लेजर बैलेंसेस फाइल रिटर्न पे टैक्स यूटिलाइज आई टी सी कैश मिसमैच रिपोर्ट समरी ऑफ करंट पीरियड अब आते हैं हम प्रोफाइल पर तो ये अभी जब लॉगिन हुआ है तो गणेश हारवेस्ट सोल्यूशन के नाम से लॉग इन हुआ है तो इसके व्यू प्रोफाइल पर अगर यहाँ पे क्लिक किया जाए कि ये इसकी डीलर की प्रोफाइल है जिसमें इसका जी एस टी एन नंबर लीगल नेम ऑफ बिजनेस इसके जरूरक्शन क्या है ठीक है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं हमारे को ठीक है तो अभी हम मूव करते हैं पे ठीक है अभी ये जैसे मैं यहाँ पे फाइल रिटर्न पे अगर क्लिक तो हम आ जाते हैं जीएसटी आर वन तो अभी फ्रेंड्स जीएसटी आर वन की स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि ये जी एस टी आर वन का फॉर्मेट है हमारा जो सी बी एस सी ने प्रिस्क्राइब किया है सी बी एस सी पोर्टल पर यह फॉर्मेट अवेलेबल है जो हमारे से क्या मांगता है जो मांगता है जीएसटी नंबर नेम ऑफ टैक्सीबल पर्सन एग्रीगेट टर्न ओवर पीरियड कौन सा है रिटर्न का जिसके लिए जी एस टी आर वन फाइल हो रही है तो आप देख पा रहे हो गे क्या है ये डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई तो आउटवर्ड सप्लाई क्या हमारी सेल्स अब ये सेल्स की जो डिटेल हैं ये अलग अलग टेबल्स में इन्होंने मांगी हुई है हमारे से जैसे कि आप अगर बिजनेस एक बिजनेस मैन दूसरे बिजनेस मैन को जिसके पास एक वेलिड जी एस टिन नंबर है मतलब जी एस टिन धारक एक दूसरे जी एस टी इन धारक को अगर कुछ सप्लाई कर रहा है ठीक है तो उसको हम बी टू बी सप्लाई बोल रहे हैं अगर वो किसी कस्टमर को या कंज्यूमर को बेच रहा है तो उसको हम बी टू सी बोल रहे हैं अगर कोई डेबिट क्रेडिट नोट इशू हो रहा है तो हम उनकी डिटेल अलग से कैप्चर कर रहे हैं अगर इनमें कुछ चेंजेस हुए हैं इनमें कुछ मिस्टेक्स हुई हैं इन सब इंफॉर्मेशन में मान लो कि बी टू बी या बी टू सी जो मैं बोल रहा हूँ इसमें कुछ गलती हो गई तो उसके लिए भी एक प्रावधान है या फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड की है कि आप अमेंडमेंट भी कर सकते हैं तो दोस्तों ये सब चीजें ना हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी के लिए मैं आपको इतना ही ओवरव्यू देना चाह रहा था कि ये ऐसे ऐसे जी एस टी आर वन की जो आ, आ, फाइलिंग है वो इस तरह से स्टार्ट होगी तो दोस्तों मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कम्युनिटी में अपने प्रोफेशनल कलीग्स की कम्युनिटी में स्टूडेंट्स अगर इसे देख रहे हो तो स्टूडेंट्स भी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें